भारत माता की, भारत माता की। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी गिरिराज सिंह जी, इसी धरती के संतान मेरे साथी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, श्री कपिल मोरेश्वर पाटिल जी, संसद में मेरे साथी श्री जुगल किशोर जी, जम्मू कश्मीर सहित पूरे देश से जुड़े पंचायती राज के सभी जनप्रतिनिधिगण, भाई और बहनों, सुरभी रहंदी इस डुगर धरती जम्मू च, तुसे सारे बहन प्राएगी मेरा नमस्कार। देश भर से जुड़े साथियों को राष्ट्रीय पंचायत दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जम्मू कश्मीर के विकास को गति देने के लिए यह बहुत बड़ा दिन है। यहां मैं जो जनसागर देख रहा हूं, जहां भी मेरी नजर पहुंच रही है, लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। शायद कितने दशकों के बाद जम्मू कश्मीर की धरती, हिंदुस्तान के नागरिक ऐसा भव्य दृश्य देख पा रहे हैं। यह आपके प्यार के लिए, आपके उत्साह और उमंग के लिए, विकास और प्रगति के आपके संकल्प के लिए मैं विशेष रूप से आज जम्मू और कश्मीर के भाइयों बहनों का आदरपूर्वक अभिनंदन करना चाहता हूं। साथियों, न ये भूभाग मेरे लिए नया है, न मैं आपके लिए नया हूं, और मैं यहां की बारीकियों से अनेक वर्षों से परिचित भी रहा हूं, जुड़ा हुआ रहा हूं। मेरे लिए खुशी की बात है कि आज यहां कनेक्टिविटी और बिजली से जुड़े 20,000 करोड़ रुपए, यह आंकड़ा जम्मू कश्मीर जैसे छोटे राज्य के लिए बहुत बड़ा आंकड़ा है। 20,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। जम्मू कश्मीर के विकास को नई रफ्तार देने के लिए राज्य में तेजी से काम चल रहा है। इन प्रयासों से बहुत बड़ी संख्या में जम्मू कश्मीर के नौजवानों को रोजगार मिलेगा। साथियों, आज अनेक परिवारों को गांवों में उनके घर के प्रॉपर्टी कार्ड भी मिले हैं। ये स्वामित्व कार्ड गांवों में
नई संभावनाओं को प्रेरित करेंगे। आज 100 जन औषधि केंद्र जम्मू कश्मीर के गरीब और मिडिल क्लास को सस्ती दवाएं, सस्ता सर्जिकल सामान देने का माध्यम बनेंगे। 2020 तक देश को कार्बन न्यूट्रल बनाने का जो संकल्प देश ने उठाया है, उसी दिशा में भी जम्मू कश्मीर ने आज एक बड़ी पहल की है। ग्लासगो में दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज इकट्ठे हुए थे, कार्बन न्यूट्रल को लेकर के बहुत सारे भाषण हुए, बहुत सारे बयान हुए, बहुत सारी घोषणाएं हुई, लेकिन ये हिंदुस्तान है जो ग्लासगो के संकल्प को आज जम्मू कश्मीर की एक छोटी पंचायत पल्ली पंचायत के अंदर देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है। आज मुझे पल्ली गांव में देश के गांवों के जनप्रतिनिधियों के साथ जुड़ने का भी अवसर मिला है। इस बड़ी उपलब्धि और विकास के कामों के लिए जम्मू कश्मीर को बहुत बहुत बधाई। यहां मंच पर आने से पहले मैं यहां के पंचायत के सदस्यों के साथ बैठा था, उनके सपने, उनके संकल्प और उनके नेक इरादे मैं महसूस कर रहा था। और मुझे खुशी तब हुई कि मैं दिल्ली के लाल किले पर से सबका प्रयास ये बोलता हूं, लेकिन आज जम्मू कश्मीर की धरती ने, पल्ली के नागरिकों ने सबका प्रयास क्या होता है ये मुझे करके दिखाया है। यहां के पंच सरपंच मुझे बता रहे थे कि जब यहां मैं एक कार्यक्रम का आयोजन तय हुआ तो सरकार के लोग आते थे, कॉन्ट्रैक्टर्स आते थे सब बनाने वाले। अब यहां तो कोई ढाबा नहीं है, यहां तो कोई लंगर नहीं चलता है, ये लोग आ रहे हैं तो उनको खाने का क्या करें? तो मुझे यहां के पंच सरपंच ने बताया कि हर घर से, कोई घर से 20 रोटी, कहीं 30 रोटी इकट्ठी करते थे और पिछले 10 दिन से यहां जो भी लोग आए हैं सबको गांव वालों ने खाना खिलाया है। सबका प्रयास क्या होता है ये आप लोगों ने दिखा दिया है। मैं हृदय से यहां के सभी मेरे गांव वासियों को आदरपूर्वक नमन करता हूं। भाइयों और बहनों, इस बार पंचायती राज दिवस जम्मू कश्मीर में मनाया जा रहा एक बड़े बदलाव का प्रतीक है। ये बहुत ही गर्व की बात है कि जब लोकतंत्र जम्मू कश्मीर में ग्रास रूट तक पहुंचा है, तब यहां से मैं देश भर की पंचायतों से संवाद कर रहा हूं। हिंदुस्तान में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई, बहुत ढोल पीटे गए, बड़ा गौरव भी किया गया, और वो गलत भी नहीं था।
लेकिन एक बात हम भूल गए, भाषण तो कह करते थे हम कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई है, लेकिन देशवासियों को पता होना चाहिए कि ये इतनी अच्छी व्यवस्था होने के बावजूद भी मेरे जम्मू कश्मीर के लोग उससे वंचित थे। यहां नहीं था, दिल्ली में आपने मुझे सेवा करने का मौका दिया और पंचायती राज व्यवस्था